हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एनडीए के लिए हम वोकैबुलरी की इथमोलॉजी सीख रहे थे। कोई भी एक वर्ड है किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे हम किसी भी वर्ड का रूट वर्ड समझेंगे और उससे जो बनने वाले आपके जो रूट वर्ड से बनने वाले आपके जो दूसरे वोकैब्स हैं या वर्ड्स हैं उसके आप कैसे मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो, उसी के बारे में हम सीख रहे थे। तो आज हम और कुछ नए वर्ड सीखेंगे। बेसिकली फोकस आपका इस पे रहना चाहिए कि एक वर्ड कैसे डिराइव हुआ है, मतलब क्या वर्ड का एक मतलब है और उससे बनने वाले शब्द जो है कैसे उनका थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज होता है। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वोकैबुलरी एक मेजर पोर्शन फॉर्म करता है। अगर आप एनडीए या फिर आप सीटीएस लेवल के एग्जाम देखो और एल्स एफकैट की भी अगर हम बात करें, वंस यू नो द रूट वर्ड और द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, आपके लिए उसका मतलब निकालना ईजी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप बहुत सारे वर्ड जो है उनको आप याद कर लो, पर आपको कुछ वर्ड पता है और उसके आपको रूट वर्ड पता है तो उससे बनने वाले जो आपके शब्द हैं तो आप काफ़ी हद तक उनके मतलब निकाल सकते हो। सो वी विल बी लर्निंग मोर वर्ड्स टुडे एंड द फोकस प्राइमरी मस्ट बी अपॉन द रूट वर्ड एंड देयर ऑरिजिन एज वेल एज वट इज द मीनिंग ऑफ दोज रूट वर्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दून ऑफिसर्स अकेडमी ऑफलाइन बैचेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर लर्निंग टूडे इज, ये एक वर्ड है जो आप ऑलरेडी आपने थोड़ा आपको आइडिया जरूर होगा इसका, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट? जब हम लास्ट टाइम एक उसमें जहाँ पे हम साइक वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक वर्ड आया था एंथ्रो, है ना? आपका साइकोसोमैटिक वर्ड आया था, ऐसे बहुत सारे वर्ड आए थे। तो वहाँ पे एंथ्रो का मतलब क्या बताया गया था? दैट इज़ रिलेटेड टू मैनकाइंड, है ना? एंथ्रो का मतलब क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू मैनकाइंड, ठीक है? कोई भी एक वर्ड जिसके लास्ट में क्या लग रहा है, आपका लॉजी लग रहा है, लॉजिस्ट लग रहा है, तो उसके लिए क्या हम उसके लिए क्या मतलब था? एनी वर्ड विच एंड्स इन लॉजिस्ट, ठीक है? लॉजी, लॉजी के बाद से एंड हो रहा है, दैट इज एल ओ जी वाई, लॉजी बेसिकली दैट रेफर्स टू स्टडी, ठीक है? अब इसी के लिए उसमें क्या लग गया? जिस्ट, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कोई भी पर्सन विच बेसिकली स्टडीज द ह्यूमन काइंड और द मैन काइंड, किस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं। जब आप एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हो उस समय आप ये देखते हो कि हम पहले क्या थे, कि जैसे कि हमारा ओरिजिन किस तरीके से हुआ, हम चार पैर पे चलते थे, धीरे धीरे हम क्या हुए, हमने दो पैरों पे चलना स्टार्ट किया, राइट? इससे पहले अगर आप देखोगे तो पहले क्योंकि हम इस तरीके के जानवर थे या इस तरीके की हमारी रेस थी कि हम बेसिकली चीज़ों को ग्रैब करते थे। जैसे कि अभी भी आप जो एनिमल हैं जो आपके पेड़ में लटकने वाले हैं जिनको ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका अगर आप हैंड हाथ देखोगे और हमारे हैंड देखोगे उसमें आप कंपैरेटिवली फ़र्क देखते हो, क्योंकि अब हमारा हाथ उस पर्पज़ के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम अभी भी पेड़ के जो है एक जगह से दूसरी जगह पेड़ में हम या फिर पेड़ पकड़ने की हमें ज़रूरत पड़े, राइट? ग्रैब करने की कोई चीज़ें ज़रूरत पड़े उस तरीके से जिस तरीके से आपके एनिमल्स करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे हाथ का भी ओरिजिन हुआ है, राइट? तो ऐसे कोई भी पर्सन हु स्टडीज अबाउट द एवोल्यूशन और स्टडीज अबाउट द ह्यूमन काइंड, किस तरीके से ह्यूमन रेस जो है वो इवॉल्व हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? वी यूज अ टर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लॉजी वर्ड स्टैंड फॉर स्टडी एंड द पर्सन हु स्टडीज इट, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लॉजिस्ट। ऑलराइट, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सिंपल मतलब क्या हो गया? अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द मैनकाइंड, ठीक है? एक और चीज याद रखना इसी से थोड़ा रिलेटेड है, दैट इज एस्ट्रोनॉमर, ठीक है? एस्ट्रोनॉमर की अगर हम बात करें, बेसिकली इट हैज अ ग्रीक ओरिजिन। कोई भी वर्ड लैटिन ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है, उससे वो अगर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि उस वर्ड का मतलब क्या है, राइट? सो बेसिकली दिस वर्ड हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन और ग्रीक में एक वर्ड होता है नोमोस, ठीक है? ये नॉमर लिखा है ना यहाँ पे, सो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड नोमोस और इस वर्ड का सिंपल मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स, अच्छा, एस्ट्रो का मतलब होता है आपका स्टार, ठीक है?
और नोमोस का मतलब बेसिकली होता है ऐसा कोई भी पर्सन या फिर बेसिकली एनीवन हु स्टडीज अबाउट द मेजरमेंट, ठीक है, कि किस तरीके द ऑर्डर, सॉरी, कोई भी नोमोस का बेसिकली मतलब होता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस और एल्स लॉ, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, वो बेसिकली जो स्टार्स के सीक्वेंस होते हैं या स्टार किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं, किस लॉ पे काम कर रहे हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो मेन वर्ड आपका क्या है, एस्ट्रो। किसी भी वर्ड के पहले अगर एस्ट्रो लिखा है तो दैट सिंपली रेफर्स टू स्टार, ठीक है। तो एस्ट्रो का मतलब आपको पता चल गया, वंस यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्ट्रो तो इतना पता चल गया कि वो स्टार से रिलेटेड है। नोमोस या फिर यहाँ पे नॉमर लग गया है, उसका मतलब होता है किसी भी लॉ से रिलेटेड या किसी ऑर्डर से रिलेटेड। सो बेसिकली एनीवन हु स्टडीज अबाउट द ऑर्डरिंग और द सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टार्स इज व्हाट रेफर्ड टू एज एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉल दिस एस्ट्रोनॉमर। इसी से एस्ट्रो की अगर हम बात कर रहे हैं, अनदर वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, ठीक है। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एस्ट्रो, ठीक है। एस्ट्रो का मतलब आपको पता चल गया, उसका मतलब क्या है, स्टार। एक वर्ड है नॉट, ठीक है। नॉट की अगर हम बात करें, व्हाट डज दैट मींस, नॉट सिंपली मींस सेलर, ठीक है। जो सेल करते हैं ना, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं, सेलर। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी में देखोगे ना सेलर्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग अलोंग द बोट, है ना। बोट आपकी नाव जहाँ जहाँ पे जाती है या आपकी जो पनडुब्बी है जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे वो सेल करते हैं, राइट, दे ट्रैवल देयर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेलर, ठीक है। ऐसे कोई भी पर्सन हु ट्रैवल्स वेयर इन द स्टार्स, है ना। आप क्या करते हो, अर्थ के बाहर जाते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, एस्ट्रोनॉट्स यही तो करते हैं, बेसिकली वो अर्थ के बाहर जाके चीज़ें देखते हैं, राइट। तो बेसिकली वेयर आर दे सेलिंग, दे आर सेलिंग इन द स्टार्स, ठीक है, और दे आर सेलिंग अमंग द स्टार्स, ठीक है। स्टार्स में जो ट्रैवल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो नॉट का वर्ड के मतलब क्या हो गया, सेलर, ठीक है, कॉस्मोनॉट वर्ड हो गया इस तरीके के। तो नॉट का सिंपल मतलब होता है एनीवन हु सेल्स, सेलर के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नॉट। इनफैक्ट आपने कई बार जब हम मेजरमेंट की बात करें, नॉटिकल माइल्स होता है ना, तो नॉट का भी मतलब क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू सेलिंग, राइट। सो द वर्ड नॉट इज रिलेटेड टू सेलिंग, और ट्रैवलिंग भी आप इसको बोल सकते हो। और एस्ट्रो की अगर हम बात करें, उसका मतलब किससे रिलेशन है, उसका स्टार से रिलेशन है, क्लियर। अनदर वर्ड रिलेटेड टू एस्ट्रो इज एस्टेरिक, वर्ड पढ़ा होगा आपने, है ना। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एस्टेरिक, ठीक है। एस्टेरिक का मतलब क्या होता है, आप स्टार साइन बनाते हैं ना इस तरीके से, है ना। कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस में या फिर कई बार जैसे मान लो आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को बोला जाता है ना कि इन इन क्वेश्चन में आप एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। तो एस्टर का भी मतलब क्या हो गया, स्टार ही तो हुआ, तो उस साइन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज एस्टेरिक। एस्टर का मतलब ही हमने अभी सीखा स्टार, तो आपको यहाँ पे एक रूट वर्ड समझ आया दैट इज एस्टर, और उससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़े। आपको एक और चीज भी पता चल गई, नोमोस या फिर नॉमर का बेसिकली मतलब किससे रिलेटेड है, लॉ से या ऑर्डर से रिलेटेड है उसका, ठीक है। नॉट का मतलब भी पता चल गया आपको, नॉट ट्रैवलिंग या सेलिंग से रिलेटेड होता है, राइट। तो द वर्ड हेयर इज एस्टर, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन रेस या ह्यूमन काइंड से रिलेशन, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो हम करने वाले हैं दैट इज जियो से पढ़ेंगे हम, ठीक है। वी एक वर्ड है आपका जियो, व्हाट डज द वर्ड जियो मींस। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, जियोलॉजिस्ट पढ़ते हो, सो द वर्ड जियो सिंपली मींस अर्थ, है ना। जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ। आपके सोशल साइंस में भी या फिर जो आपके ज्योग्राफी भी का भी जो आपका आपकी बुक होती है उसमें लिखा होता है, ज्योग्राफी में क्या चीज़ आप पढ़ते हो, अर्थ के बारे में पढ़ते हो ना, कि
अर्थ जो है रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड्स हो गया, लैंडफॉर्म्स आप पढ़ते हो, सब किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है. सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू अर्थ, देयर वी कॉल वर्ड, उसके लिए अर्थ, जियो वर्ड भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? अर्थ रिप्रेजेंट करता है. द वर्ड जियो इट्सेल्फ मीन्स अर्थ. अब इससे मिलते जुलते कुछ शब्द पढ़ते हैं हम. फर्स्ट इज ज्योग्राफी, है ना? जियो मीन्स, नाउ अगेन हमने ग्राफ वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुका है. ग्राफ का मतलब क्या होता है? टू राइट, है ना? जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ. क्या मतलब हुआ इसका? सो बेसिकली मैपिंग की अगर हम बात करें, मैपिंग ऑफ अर्थ या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आपके क्या है, अर्थ के बारे में लिखा गया है, दैट इज द ज्योग्राफी, राइट? वेयर यू आर राइटिंग और वेयर यू आर स्टडिंग अबाउट अर्थ, ठीक है? आप अर्थ के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, दैट इज योर अर्थ, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूगोल ही बोलते हैं. तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? अर्थ. एंड ग्राफी सिंपली मीन्स किसी चीज़ लिखना, या मैपिंग के रिलेशन में भी आप इसको याद कर सकते हो, राइट? सो ज्योग्राफी इज बेसिकली द बुक विच कंटेन्स अबाउट द अर्थ. सर्फेस हो गया, लैंड मास हो गया, उन सब के बारे में आप पढ़ते हो, राइट? अनदर वर्ड रिलेटेड टू ज्योग्राफी इज जियोलॉजिस्ट, ठीक है? अगेन हम लॉजिस्ट का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो जियो मीन्स अर्थ, लॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज व्हाट? अर्थ, ठीक है? जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अर्थ के बारे में ये तो चीज़ें पढ़ते हैं. तो एनी वन हु स्टडीज अबाउट, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट अर्थ, उसके हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज जियोलॉजिस्ट. लॉजी का मतलब स्टडी है, और लॉजिस्ट जब वर्ड हो जाता है तो उसकी वो स्टडी कर रहा है. सो द पर्सन हु स्टडीज अबाउट द अर्थ सर्फेस इज व्हाट वी कॉल एज जियोलॉजिस्ट. क्लियर? नेक्स्ट उस पर आते हैं. अनदर वर्ड रिलेटेड टू जियो इज जियोमेट्री, ठीक है? जियोमेट्री जिसको आप बोलते हो. अगेन एक सेशन में आपको मेट्री वर्ड के बारे में मैंने बताया था. पहले देखो वर्ड को आप सिंपली ब्रेक करो. जियो एंड मेट्री. जियो का मतलब क्या हो गया? जियो मीन्स अर्थ. मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेट्री अगर किसी में भी वर्ड आ रहा है, उसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो? मेजरमेंट से, ठीक है? मेट्री का सिंपल मतलब क्या होता है? मेट्री सिंपली मीन्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है? मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ समथिंग. आप ज्योमेट्री में क्या करते हो, राइट? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उसके आप क्या करते हो? कुछ ना कुछ मेजरमेंट ज़रूर लेते हो. आप एंगल का मेजरमेंट ले लेते हो, है ना? या फिर आप उनकी साइज का मेजरमेंट लेते हो. सो कोई भी वर्ड अगर उसमें मेट्री लग गया है तो उसका रिलेशन किससे है? मेजरमेंट से. ज्योमेट्री में भी आप यही चीज़ करते हो, आप चीज़ें मेजर करते हो, ठीक है? सो मेट्री वर्ड रेफर्स टू मेजरमेंट, और जियो का मतलब क्या है? आपका अर्थ से रिलेशन है, राइट? तो ये क्या वर्ड थे? जियो से रिलेटेड कुछ वर्ड पढ़े, ठीक है? नेक्स्ट उस पर आते हैं. आप लोगों ने बॉटनी या जूलॉजी के बारे में पढ़ा होगा. तो अगर मैं बोलती हूँ बॉटनी, ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ बोटानिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? एक वर्ड होता है आपका, दैट इज बॉटेन, जो आपका मेन वर्ड है या रूट वर्ड है जिससे ये दो टर्म बने हैं, दैट इज बॉटेन. बॉटेन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है? बॉटेन का मतलब होता है प्लांट. आपके पास अभी स्कूल लेवल में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है? बायोलॉजी की बुक होती है, रैदर देन बॉटनी और जूलॉजी. लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी की भी अगर बात करें, उसके फर्दर ब्रांचेस में क्या आते हैं? एक तो आपका जूलॉजी आता है और एक आपका बॉटनी आता है, ठीक है? तो बॉटेन का मतलब होता है प्लांट. बॉटनी का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें प्लांट के रिलेशन में चीज़ें बताई गई हैं. सो द स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है? बॉटनी का मतलब क्या है?
स्पेशली आपके कॉलेज में आपके ये चीज़ें आ जाती हैं, बॉटनी, जूलॉजी। तो बॉटनी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, प्लांट के रिलेशन में उसकी जब आप पढ़ाई कर रहे हो दैट इज बॉटनी। बोटानिस्ट का मतलब क्या हो गया, बोटानिस्ट सिंपली बॉटनी का एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो प्लांट की स्टडी करता है। इट इज़ द एडजेक्टिव वर्ड फॉर वट, बॉटनी, ठीक है। बॉटनी का जो आपका एडजेक्टिव है दैट इज बोटानिस्ट, ठीक है। तो बोटानिस्ट क्या करता है, प्लांट की स्टडी करता है। देख, अगर प्लांट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्लांट किंगडम की भी बात करो तो आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो फ्रूट बेयरिंग हैं या फिर आपके फ्लावर बेयरिंग है ना। तो उसमें भी काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन ज़रूर रहता है। सो द वर्ड बॉटनी सिंपली मीन्स वर्ड, इट मीन्स प्लांट, ठीक है। बॉटेन एक टर्म है, उससे मतलब क्या निकल के आया, प्लांट, ठीक है। तो कोई अगर जब हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं दैट इज बॉटनी, एंड द पर्सन हु स्टडीज इज कॉल्ड बोटानिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा साइंस से रिलेटेड अगर हम टर्म की बात करें तो हम जूलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। जब बायोलॉजी की बात हो रही है सो देर इज अनदर टर्म दैट इज जूलॉजी, जूलॉजी या फिर जूलॉजिस्ट। अच्छा, जब आप जू, कभी ना कभी आप एक बार जू जरूर गए होंगे, आप स्कूल की तरफ से गए होंगे या फैमिली के साथ गए होंगे, आप जू जरूर गए होंगे। तो जू में आप क्या देखते हो, हाँ, क्या जू में आपको प्लांट्स दिखते हैं, मतलब प्लांट इन द सेंस कि आपको कहीं भी ऐसे प्लांट को ये है उसमें लेबल कर रखा है कि ये प्लांट है। जू में आप क्या देखने जाते हो, एनिमल्स देखने जाते हो, राइट। सो द वर्ड जू इटसेल्फ मींस व्हाट, जू का सिंपल मतलब होता है आपका एनिमल, ठीक है। अब जू का मतलब क्या हो गया, एनिमल हो गया, राइट। नाउ देर इज अ टर्म लॉजी, लॉजी का मतलब क्या बताया था, स्टडी। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट, एनिमल्स, बॉटनी में क्या था, प्लांट की स्टडी, तो जू में क्या हो गया, जू का मतलब है एनिमल। सो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज व्हाट वी कॉल्ड जूलॉजी, राइट। आपने बायोलॉजी की जो बुक आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स प्लांट से रिलेटेड हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आपके एनिमल से रिलेटेड है ना। आप अलग अलग एनिमल किंगडम में भी अलग अलग आपके चीज़ें पढ़ते हो एनिमल्स के बारे में, राइट। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, कई बार आप देखते हो कि हार्ट के बारे में है, कुछ के थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले भी आपके एनिमल्स होते हैं। सो बेसिकली इन जूलॉजी यू स्टडी अबाउट एनिमल्स। लेकिन अब क्या वर्ड आ गया, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जूलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वर्ड किससे ओरिजिनेट हुआ है, लॉजी से ही है ना, यही तो आपको बार बार समझाया जा रहा है। तो लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी पर्सन जो एनिमल की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट, ठीक है। बेसिकली ये एडजेक्टिव है किसका, जूलॉजी वर्ड का। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स इज व्हाट वी कॉल जूलॉजिस्ट, ठीक है। एनिमल्स की स्टडी हो गया। आप देखोगे कि अगर कभी आप जू के में भी, कई बार ये होता है कि एक ऐसा आपका हॉल टाइप का होता है जिसमें आपके एनिमल्स के स्केलेटन्स के बारे में भी है ना, कि डायनासोर्स का आपको एक स्केलेटन दिखाया जाएगा, राइट। कई बार वो रियल स्केलेटन भी होता है, कई बार आपके जस्ट टू प्रोवाइड यू एन इनसाइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन ऑफ डायनासोर्स, उसके भी आपको कई बार दिख जाते हैं, राइट। नहीं तो आप जब आपके स्कूल लेवल में आपके कुछ कुछ आपके स्लाइड्स दिखाई जाती है या आपके ऐसे स्पेसिमेंस दिखाए जाते हैं, राइट, स्टार फिश हो गया, ये इन सब के स्पेसिमेंस होते हैं, ग्लास के, आपका ग्लास टाइप का एक आपका कवर होता है और उसमें स्पेसिमेंस भी दिखाए जाते हैं। सो बेसिकली वो आपके जूलॉजी लैब में होंगे अगर एनिमल के हैं। अगर प्लांट के स्पेसिमेंस हैं तो वो आपके बॉटनी उसमें होंगे या फिर आपके एक सेक्शन ही बनाया जाता है, क्योंकि स्कूल लेवल में आपको इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कराया जाता, राइट। सो जूलॉजिस्ट सिंपली मींस व्हाट, इट हैज अ रिलेशन विद एनिमल्स। लॉजिस्ट वर्ड लग गया तो क्या हो गया कि अ पर्सन हु स्टडीज इट, राइट। ऑलवेज फोकस अपॉन द रूट वर्ड,
इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। कई बार आप पूरे वर्ड का मतलब नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द रूट वर्ड, आपके ऑप्शंस कई बार इस तरीके से होते हैं, तो आप उसमें भी आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट? सो दीज वर फ्यू न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न एंड वी हैव ट्राई टू फोकस अपॉन द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, ठीक है? रूट वर्ड आप एक बार समझ लो तो आपके लिए वर्ड मीनिंग समझना ईजी हो जाएगा, right? So this was all for today, but before leaving this session, if you want to join Dhoon Officers Academy offline batches, then you can contact upon the number that is given on the screen. कोई भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, आपका CDS हो गया, FCAT हो गया, NDA लेवल के एग्जाम है, और else जो आप स्कूल लेवल पे देते हो लाइक RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, सो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी से जुड़ सकते हो ऑफलाइन बैचेस के लिए बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।